उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीति दल तथा नेताओं का रंग भी बदल रहा है। लखनऊ में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में माफिया डॉन और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने अपने बेटे मनु अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी के साथ उनके बेटे मनु अंसारी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मोहम्मदाबाद विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे थे। सिबगतुल्ला अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अलका राय से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर वे सपा का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में लगभग तय है कि उन्हें या उनके बेटे को 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा वहां से टिकट देगी। ऐसे में गाजीपुर की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प होने जा रही है। अंसारी परिवार पहले भी सपा का हिस्सा रह चुका है, कौमी एकता दल नाम से राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भी अंसारी परिवार ने कौमी एकता दल का विलय सपा में कर दिया था। अखिलेश यादव के विरोध पर पूरे परिवार को बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद बसपा ने उन्हें गले लगाया था। इसके साथ ही मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी, घोसी सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सिबगतुल्ला अंसारी को बसपा ने टिकट दिया। मुख्तार के अलावा जीत किसी को भी नसीब नहीं हुई। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की ओर से बसपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया था और वो जीते भी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।